देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लिस देता है, खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। भारत में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे आम लोगों के जेब पर बोझ बढ़ गया है। पेट्रोल डीजल की कीमत देश भर में सातवें आसमान पर है। कुछ शहर तो ऐसे हैं जहां पेट्रोल के दाम शतक लगा चुके हैं। वहीं दूसरी ओर खाद्य पदार्थ की कीमत में रफ्तार बना हुआ है। दालें, सब्जियां और सरसों तेल का भाव बहुत ऊपर चल रहा है। वहीं आने वाले दिनों में इसकी कीमतों में इजाफा देखने को मिल सकता है। सरसों तेल इन दिनों उच्चतम स्तर के करीब 30 से 40 रुपए सस्ता बिक रहा है। सरसों तेल 3 रुपए की गिरावट के साथ अब 165 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। बीते महीने सरसों का तेल 168 रुपए के औसतम भाव पर बंद हुआ था। वहीं सरसों का भाव अब उच्चतम स्तर से करीब 30 से 40 रुपए कम पर बिक रहा है। यूपी में पिछले दिनों सरसों का तेल 164 रुपए था। दिसंबर 2021 में सरसों का तेल अपने अधिकतम रेट 200 रुपए तक जा पहुंचा था। वायदा बाजार के जानकारों का कहना है कि सरसों के तेल की खपत अधिक होती है, इसलिए सरसों के तेल के भाव नीचे आने का नाम नहीं ले रहे हैं। तेल तिलहन बाजार में आगामी दिनों में तेल के भाव में अप्रत्याशित गिरावट की संभावना है, ऐसा बाजार के विशेषज्ञों का मानना है। विशेषज्ञों के अनुसार बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तेल तिलहन की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए राहत दी है। इसका असर कुछ महीनों के बाद देखने को मिल सकता है। यूपी में आज सरसों के तेल की अधिकतम कीमत हमीरपुर में 174 रुपए प्रति लीटर पर खुले हैं, जबकि 6 फरवरी को सरसों के अधिकतम गाजीपुर में 172 रुपए प्रति लीटर पर बंद हुए थे। वहीं सरसों तेल के भाव अधिकतम कानपुर में आज 180 रुपए प्रति लीटर थे। सरसों तेल पिछले काफी दिनों से महंगा बिक रहा है, जिससे रसोई का बजट बिगड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।